ये है 2022 की न्यू मॉडल होंडा एक्स ब्लेड 160 डबल डिस्क मैट ब्लू टॉप मॉडल। दो वेरिएंट और चार कलर में आती है। इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितनी है, दोनों मॉडल की डिटेल में, ऑन रोड कीमत क्या है, अगर आप इसको फाइनेंस कराते हैं तो लोन ईएमआई और डाउन पेमेंट आपको कितनी देनी पड़ेगी इस बाइक को लेने के लिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहां पर आपको ब्लैक कलर का विंडशील का ग्लास देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लॉन्ग है, जिसके सेंटर में आपको होंडा की ब्रांडिंग दी गई है और हेलोजन टर्न इंडिकेटर यहां पर आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको हैजार्ड लाइट का स्विच भी दिया गया है। नीचे में आपको LED DRL मिलती है और इसके साथ यहाँ पर आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इंजन को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। बिना इंजन स्टार्ट हुए इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। यहाँ पर आपको ऊपर में लो बीम मिल जाती है, नीचे में आपको हाई बीम का सेटअप देखने को मिलता है। इसकी जो ओवरऑल जो हेडलाइट का सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नज़र आता है अगर आप इसको हॉर्नेट 2.2 से कंपेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हॉर्नेट की जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी छोटी यहाँ पर आपको नज़र आती है कंपेयर टू एक्स ब्लेड 160 के मुकाबले। अभी मैं इंजन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इस बाइक का जो आगे वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको टू कलर के साथ देखने को मिलता है, जिसमें आपको आगे में ब्लू कलर, पीछे में आपको ब्लैक कलर मिलता है। इसके सस्पेंशन को कंपनी ने आगे की तरफ से प्लास्टिक से कवर किया है, जिससे लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, और साथ में इसकी वायरिंग को भी पूरी तरह से कवर किया गया, जिससे कोई छेड़खानी बाद में ना कर पाए। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, 276 mm की डिस्क मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ। 8017 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है और 70 inch का ब्लैक कलर का एलोबिल दिया गया है। दोस्तों अगर आप इस बाइक को साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो नीचे में आपको ऑल ब्लैक कलर की थीम मिलती है और हेड और इसका जो टेल सेक्शन है वो थोड़ा सा आपको नुकीला नज़र आता है अगर आप इसको गौर से देखते हैं। इसके फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर में यहाँ पर होंडा का 3D में लोगो है क्रोम के साथ, और यहाँ पर आपको एक्स ब्लेड का स्टिकर दिया गया है व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी मिलती है, यहाँ भी आपको फाइबर बॉडी मिल जाती है, ऊपर की साइड में भी आपको फुल फाइबर बॉडी मिलती है, साइड के जो पैनल हैं वो भी यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी के मिल जाते हैं। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है जो कि मैट ब्लू फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक का कैप देखने को मिलता है थोड़ी सी कार्बन टच की फिनिशिंग के साथ। ब्लैक कलर की हैंडल बार मिल जाती है और फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिसके नीचे में आपको टर्न इंडिकेटर, साइड स्टैंड की वार्निंग लाइट, हेडलाइट, ABS, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और यहाँ पर आपको चेक इंजन की लाइट दी गई है। इसके ऊपर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग है और गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गॉज दिया गया है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ओडोमीटर ट्रिपमीटर मिल जाता है, इसके साथ यहाँ पर RPM मीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको मोड और सेलेक्ट की बटन मिलती है, अगर आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप भी दिखाता है, ट्रिप भी दिखाता है, किलोमीटर की टोटल रीडिंग दिखाता है। इसके साथ ही सर्विस रिमाइंडर मिलता है, इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर नहीं मिलता है, रेगुलर मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको पासिंग का बटन है, अपर डिपर इंडिकेटर और साइड में आपको हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर आपको बार एंड भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको इंजन केल और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको हैजार्ड का स्विच भी दिया गया है। यहाँ पर आपको और ये है इसके इंजन का साउंड, आपको इसके इंजन का और इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी सीट कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, जिसकी लंबाई है 582 mm की, जिसमें आपको 795 mm की सीट हाइट दी गई है। पीछे के ग्रैब हैंडल की बात करें तो जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी स्पोर्टी यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको मैट फिनिश दी गई है और LED टेल लाइट का यहाँ पर आपको सेटअप मिलता है। पीछे में आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं हजार्ड स्विच के साथ। इसके साथ ही पीछे वाले टायर के ऊपर में आपको बड़ा सा टायर हगर देखने को मिलता है फाइबर बॉडी के साथ, और पीछे वाला जो टायर है वो यहाँ पर आपको 130/70/17 का साइज का दिया गया है। जो साइलेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और पीछे में दो होल दिए गए हैं जो कि काफ़ी ट्विन बैरल टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम के साथ ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है और पिलियन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से अपने पंजों और एड़ी को भी आसानी से रख सकता है, जिससे जूते चप्पल ना जलें। यहाँ पर आपको मोनोसॉक्स टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप दिया गया है जो कि सिंगल पीस के साथ है। इसके साथ ही 220 mm की यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाती है और 130 mm इसके पीछे वाले टायर की मोटाई दी गई है। इस बाइक का जो सीट काउल है वो यहाँ पर आपको ग्रे कलर के साथ दिया गया है, जिसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है। साइड बॉडी जो पैनल है वो भी यहाँ पर आपको 160 बैजिंग के साथ है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एयर वेंट के टाइप की जाली मिल जाती है। एडजस्टेबल यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिलते हैं, ब्रेक पैड दिया गया जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। 100
60 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और इसका जो इंजन गार्ड है वो यहाँ पर आपको लोहे का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर, किक स्टार्ट भी इस बाइक में आपको देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इस सेगमेंट की बहुत ही कम बाइक में देखने को मिलता है। इंजन और पावर की बात करें तो 162.71 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BSX FI इंजन दिया है, जो 13.8 PS की पावर देता है 8000 RPM पर, और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पर। इसकी जो पावर है वो एक्सट्रीम 160R अपाचे बाइक और N160 से बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। डायमेंशंस की बात करें तो इसकी हाइट है 1115 mm, इसकी लंबाई है 2013 mm, और इसका कर्व वेट है 144 kg। और यहाँ पर आपको सीट को ओपन करने का लॉकर दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सीट को यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी जो सीट है वो काफ़ी लाइट वेट है, जैसा कि इसको उठाने से ही पता चल रहा है, और इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छी कुशन के साथ इसकी सीट दी गई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर आपको नज़र आती है। इसके साथ ही नीचे में आपको यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट के साथ यहाँ पर आपको टूल किट और यहाँ पर एयर फिल्टर दिया गया, इसी में आप अपने बाइक के डॉक्यूमेंट को आसानी से रख सकते हैं। इसमें 118 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड दिया गया, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और यहाँ पर आपको टायर हगर। इसके साथ ही इस बाइक का जो चेनसेट कवर है वो फाइबर बॉडी के साथ मिलता है, जो कि ओपन है। यहाँ पर आपको स्विंग आर्म मिलता है, यहाँ से आप इसके टायर के प्रेशर को देख सकते हैं। इसकी जो चेन है वो नीचे से भी फुल कवर की गई है, जो कि सबसे अच्छी बात है दोस्तों। अभी मैं यहाँ से चाबी को लगा देता हूँ। इसके साथ ही इस बाइक में आपको 40 से 45 km/h का माइलेज मिलता है। और गियर की बात करें तो इस बाइक में आपको 5 गियर मिलते हैं, 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी स्मूथ सेटअप के साथ है, और साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का सेंसर मिलता है, जो गियर की पोजीशन में काम करता है। अगर इसका साइड स्टैंड डाउन होता है और आप बाइक को गियर में डालकर चलाने की कोशिश करते हैं, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जैसा कि बाइक को मैंने स्टार्ट कर दिया है, अगर मैं इस बाइक में क्लच को दबाकर जैसे ही गियर को डालता हूँ, इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत कट ऑफ हो जाता है सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। तो अब प्राइस और फाइनेंस के बारे में बात करें तो होंडा एक्स ब्लेड 160 सिंगल डिस्क की एक्स शोरूम कीमत है 1,14,877 रुपये, और ऑन रोड कीमत है 1,39,944 रुपये, और होंडा एक्स ब्लेड डुअल डिस्क की एक्स शोरूम कीमत है 1,19,267 रुपये, और ऑन रोड कीमत है 1,44,826 रुपये। अगर आप डबल डिस्क मॉडल को फाइनेंस कराते हैं तो इस बाइक को लेने के लिए आपको 34,826 रुपये जमा करने पड़ेंगे, मतलब कि डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और 12 महीने की जो EMI है वो आएगी 10,130 रुपये की, 24 महीने की जो किस्त है वो आएगी 5,546 रुपये की, 36 महीने की जो EMI है वो आएगी 4,019 रुपये की। ये ऑन रोड और फाइनेंस की जानकारी मैंने आपको बताई है क्लाउड 9 होंडा शोरूम जसो रोड मध्यमग्राम कोलकाता की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।